बिहार में चुनाव हो गए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी बन गई, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की ये सरकार आगे कई हिचकोले लेगी। बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा, ये तो भाजपा जाने, ऐसा कभी नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ, हम मुख्यमंत्री बनते ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। परंतु इस बार एक-एक मंत्रियों के जिम्मे छह-छह विभाग हैं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी तरफ से हरी झंडी होगी तभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसमें आपको बताऊं कि बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। इन सब ने कहा है कि इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और मुख्यमंत्री ने जो चिंता जताई है उसका समाधान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद से नीतीश कुमार दुखी हैं, उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू को तोड़कर भाजपा ने अपने में मिला लिया था और उसके बाद ही राबड़ी ने कहा था नीतीश कुमार को उनके महागठबंधन में आने के लिए कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को संयुक्त मोर्चा जो है महागठबंधन का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट 2024 में बनाया जाएगा। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बनना कोई हलवा है, कि कोई किसी को आएगा, कोई किसी को बैठा देगा। तो उसके बाद से ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है बिहार में। और जो तेजस्वी यादव है उसने कहा कि ये तय है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। तो कई बार ऐसा लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव की नौबत ना आए। फिलहाल एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है।